आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 10 ऐसी कंपनियों की जिसकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सारी कंपनियां हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल किस कंपनी के ब्रांड वैल्यू में गिनती गिरावट या वृद्धि हुई है। तो आइए जानते हैं इन कंपनियों के बारे में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 की कंपनी से। ब्रांड वैल्यू में मैकडोनाल्ड्स का दुनिया में 10वां स्थान है। इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू 43.8 बिलियन डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी के ब्रांड वैल्यू में 6% बढ़ोतरी हुई है। इसका ब्रांड रेवेन्यू 96.1 बिलियन डॉलर है। टोयोटा ब्रांड वैल्यू में दुनिया के 9वें स्थान पर आता है। इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू 44.6 बिलियन डॉलर है। वहीं इस कंपनी का ब्रांड रेवेन्यू 190.8 बिलियन डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल इस कंपनी के ब्रांड वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया है। अब हम बात करते हैं 8वें स्थान पर आने वाली कंपनी के बारे में। जी हाँ, ब्रांड वैल्यू में डिज्नी का दुनिया में 8वां स्थान है। इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू 52.2 बिलियन डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इसके ब्रांड वैल्यू में 10% वृद्धि हुई है। इसका ब्रांड रेवेन्यू 33.8 बिलियन डॉलर है। ब्रांड वैल्यू में सैमसंग दुनिया के 7वें नंबर पर है। इसकी ब्रांड वैल्यू 53.1 बिलियन डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इसके ब्रांड वैल्यू में 11% बढ़ोतरी हुई है। वहीं सैमसंग का ब्रांड रेवेन्यू 221.6 बिलियन डॉलर है। वहीं ब्रांड वैल्यू में कोका कोला दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। इसकी ब्रांड वैल्यू 59.2 बिलियन डॉलर है तथा ब्रांड रेवेन्यू 23.8 बिलियन डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी के ब्रांड वैल्यू में 3% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर आने वाली कंपनी की। पिछले साल के मुकाबले इस साल फेसबुक के ब्रांड वैल्यू में 6% गिरावट आई है। फिर भी फेसबुक 5वें नंबर पर है। इसकी ब्रांड वैल्यू 88.9 बिलियन डॉलर है। साथ ही इसका ब्रांड रेवेन्यू 48.8 बिलियन डॉलर है। अब बारी आती है 4थे नंबर पर आने वाली कंपनी की। तो आपको बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले अमेज़न के ब्रांड वैल्यू में 37% की बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से ब्रांड वैल्यू में अमेज़न 4थे नंबर पर आ गया है। इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू 97 बिलियन डॉलर है। वहीं अमेज़न का ब्रांड रेवेन्यू 211.4 बिलियन डॉलर है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांड वैल्यू 125.3 बिलियन डॉलर है। साथ ही इसका ब्रांड रेवेन्यू 110.2 बिलियन डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड वैल्यू 20% बढ़ा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दूसरे नंबर की कंपनी पर। तो आपको बता दें कि ब्रांड वैल्यू के दृष्टिकोण से गूगल का दुनिया में दूसरा स्थान है। इसकी ब्रांड वैल्यू 167.7 बिलियन डॉलर है। इसका ब्रांड रेवेन्यू 136.2 बिलियन डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल गूगल के ब्रांड वैल्यू में 27% की बढ़ोतरी हुई है। और अब हम बात करेंगे पहले स्थान पर आने वाली कंपनी के बारे में। तो आपको बता दें कि एप्पल दुनिया की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है। इसकी ब्रांड वैल्यू 205.5 बिलियन डॉलर है। वहीं इसका ब्रांड रेवेन्यू 265.8 बिलियन डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल इसके ब्रांड वैल्यू में 12% की बढ़ोतरी हुई है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए द फुल वॉल्यूम।